जब भी आपको प्रश्न पूछता हूं तो लगता है कि मैंने अपने हाथ में कोई फ्रेम पकड़ा हुआ है। मेरे पकड़े हुए फ्रेम के बावजूद आपके उत्तर बहुत बहुत लाभ पहुंचा रहे हैं, हल्कापन सरलता बढ़ती जा रही है। लेकिन यह लालच उठ रहा है कि अगर आपको फ्रेम के बिना सुन पाऊं तो शांति और गहराएगी, बात पूरी स्पष्ट मुझ तक पहुंचेगी। कुछ दिनों से गुरबाणी की एक तुक, हाउ में दीर्घ रोग है दारू भी इस माही, मन में गूंज रही है। अर्थात अहम बहुत बड़ा रोग है लेकिन इसका इलाज भी इसी के भीतर पड़ा है। आचार्य जी, आपको सुन पाने में जो तकलीफ अनुभव कर रहा हूँ उसका समाधान भी इसी समस्या में है, कृपया राह दिखलाएं। धन्यवाद। सुना है ना जितेंद्र, ये तकलीफ ऐसी बढ़ी कि दर्द दवा बन गया। बस दर्द को दबाना मत, छुपाना मत, दर्द ही तुम्हें मजबूर कर देगा दवा तक आने के लिए। यही तो दर्द का फायदा। कई साल पहले मैंने कहा था कि पीड़ा परम का पैगाम है, व्यर्थ नहीं। यहां तो जो भी कुछ हो रहा है वो तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें ले के उधर को ही जा रहा है। हाँ, रास्ता जरूर तुम अपनी अकल लगा करके लंबा कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा लंबे से लंबा रास्ता भी अंततः उस पर ही जाकर रुकेगा। ऐसा कोई रास्ता इस जहान में है ही नहीं जो परमात्मा के अलावा किसी और तक जाता हो। मैं तो बस इस उद्योग में लगा रहता हूं कि तुम रास्ता जरा छोटा रखो। किसी के रास्ते में कोई बुराई नहीं है, परमात्मा से दूर या विपरीत तुम कहीं जा ही नहीं सकते। सत्य के विपरीत जो है वो भी तो सत्य ही है, तो जाओगे कहाँ? उस गीत पर हमने बात करी थी, रास्तों से आसमां तक। इस जमी से आसमां तक, रास्तों से कारवां तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। तो बच के जाने की तो कोई संभावना ही नहीं। तुमने कहा कि सवाल एक फ्रेम में पूछते हो और मैं बोलता हूं तो लगता है जैसे कि उसी फ्रेम के भीतर ही सुन रहे हो, फ्रेम हटाना चाहते हो, तुम ही वो फ्रेम हो। बहुत बड़ी मांग रख रहे हो, अपने आप को पूरा ही मिटा देना चाहते हो। पर अब मांग उठ गई है तो पूरी भी होगी, दर्द महसूस होने लगा है तो दवा भी होगी। यहां तो बात बस उस दर्द को स्वीकृति देने की है। जिसने मान लिया कि दर्द है उसकी दवा शुरू। पर खबरदार रहना, खुद को मिटाओगे तो मुझे भी खो बैठोगे। वो जो तुम्हारा फ्रेम है वो तुम ही भर नहीं हो, वो मैं भी हूं। जितना तुम मिटते जाओगे जितेंद्र, उतना ही मैं भी मिटता जाऊंगा। ये ख्वाहिश मत रखना कि तुम मिटोगे मैं बचा रह जाऊंगा। मुझे भी रचा तुमने ही है, और तुमने मुझे इसलिए रचा है
ताकि तुम्हें मिटा सकूं। तुम पहले आए हो, मैं बाद में आया हूं। इस अर्थ में शिष्य गुरु का बाप होता है। तो मेरा किस्सा तो हुआ खत्म, तुमने मेरी उल्टी गिनती शुरू कर दी है। जैसे जैसे जतिंदर जाएगा, वैसे वैसे कौन आचार्य जी, कहां के आचार्य जी? जब तक जतिंदर है तब तक आचार्य जी हैं, और ये द्वैत है कि उधर खड़ा है शिष्य और इधर खड़ा है गुरु, और बीच में है फासला। शिष्य मिटने लगा, गुरु कैसे बचेगा? चलो एहसान तुम्हारा, खुद भी मिटे, मुझे भी मिटाया। बढ़िया है। तो थास तो मिटते रहो।